सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन जाता रहे कि मैंने कब नई वीडियो अपलोड करी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अवनी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त सा एक मास्क जो कि आपकी फटी एरिया को बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ बना देंगी। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि कोई भी लोशन, कोई भी मॉइस्चराइजर हमारी फटी एरिया पर बिल्कुल भी काम नहीं करता है और वो जो कि तो बनी रहती है, हमारी समस्या और भी बढ़ जाती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा मास्क लेके आई हूँ, साथ ही जो कि आपकी फटी एरिया को सही तो करेगा, साथ ही साथ अगर उसमें कोई फंगस है, कोई एलर्जी है तो उनको भी दूर करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस करना है हमें और मास्क को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ी। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए आधा चम्मच नीम पाउडर, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम हम यहाँ पे हल्दी पाउडर लेने वाले हैं, एक पूरा बैग चाहिए हमें ग्रीन टी का। इसको आपस में मिक्स कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपकी एड़ियाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही हैं, आपने काफ़ी कुछ चीज़ें अप्लाई कर ली हैं, तो आप ये मास्क ज़रूर ट्राई कीजिए, सारे बैक्टीरिया सब दूर हो जाएंगे इससे। अब इसमें मैं कम से कम दो चम्मच या फिर जब तक कि यह हमारा पेस्ट तैयार नहीं हो जाता तब तक आपको ये जो ऑयल है यानी कि सरसों का तेल ही अप्लाई करना है। इसके अलावा प्लीज़ कोई और तेल आप यूज़ ना करें। तो सरसों का तेल, इसको मिक्स कर दीजिए। हमारा जो मास्क है बनकर तैयार हो गया है। तो सबसे पहले आपको अपने पैरों को अच्छे से वॉश करना है। ध्यान रखें कि आप गर्म पानी का ही यूज़ करें। इसका यूज़ करने से क्या होगा, जितनी भी धूल मिट्टी आपके पैरों में अगर जमी हुई है वो सब निकल जाएगी और साथ ही आपके जो पैरों की स्किन है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, एक स्टोन की मदद से आप अपने पैरों में जितनी भी डेड सेल्स हैं उसको निकाल दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो चीज़ें साफ़ नहीं हो पाएंगी तो आप कुछ भी अपने पैरों पर अप्लाई कीजिए, वो स्किन के अंदर नहीं जा पाएगा। तो ध्यान रखिए, अच्छी तरीके से डेड सेल्स को बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद पैरों को अच्छे से पोंछ लीजिए किसी टॉवल की मदद से, और जब आपने पैरों को अच्छे से पोंछ लेंगे तो हम ये मास्क को अप्लाई करेंगे। अपनी एड़ियों में इसको अच्छे से अप्लाई कीजिए। इसको अप्लाई करने के बाद हमें ध्यान रखना है कि जो मास्क है आपकी एड़ियों से कहीं निकल ना जाए और साथ ही साथ ये सूखना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक पॉलीथीन का यूज़ करेंगे और इसको अपने पैर में अच्छे से बांध लेंगे ताकि इसमें नमी भी बनी रहेगी और ये मास्क भी हमारा अपने पैरों से नहीं उतरेगा। इसके बाद आपको सॉक्स पहन लेनी है और इसको ऐसे ही छोड़ दें। एक तरीका और है, आप अपनी एड़ियों पर इस मास्क को अप्लाई कर लीजिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक फॉइल पेपर ले लेंगे जिसमें हम ज़्यादातर रोटियाँ रखते हैं बनाने के बाद, तो इस फॉइल पेपर को अपनी एड़ी पे अच्छी तरीके से बांध लीजिए और फिर आप सॉक्स पहन लेंगे। अब ये जो आपको मास्क है कितनी देर तक अप्लाई करना है ये मैं बताती हूँ। ये आपको कम से कम 2 घंटे या फिर अगर आप ज़्यादा देर रख सकते हैं तो आप 3 से 4 घंटे भी अपने पैरों में इसको लगाए रखें। दोनों ही तरीके बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा है वो ये कि मैं अपने पैरों में इस पॉलीथीन को बांधूँ, क्योंकि ये ज़्यादा ईजी है मेरे लिए, तो मैं इसी को ही प्रेफर करूँगी। इसको लगाने के बाद आप अपने पैरों को वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद आप मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसके इफेक्टिव और फास्ट रिजल्ट पाने के लिए दोस्तों आपको 1 वीक तक ये लगातार यूज करना है और जब 1 वीक हो जाए उसके बाद आपको पूरे सप्ताह में 2 या 3 बार इसको यूज करना है। तो इस बात का ध्यान रखिए। इसके रिजल्ट कैसे रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा मदद मिलेगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, दोस्तों में, कहीं पर भी आप इसे शेयर कीजिए। शेयर करने से दूसरे लोगों तक वीडियो पहुंचती है और मुझे भी फायदा मिलता है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मेरी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और आप वीडियो पे पहुंच जाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।